आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के विरचन की विधियों के बारे में, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके प्रिपरेशन का, उनके निर्माण का जो सबसे पहला मेथड है, नंबर वन, वो है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्केन नाइट्राइल्स। और यहाँ जो मैंने लिखा है एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल्स होते हैं साइनाइड, यानी जब आप एल्केल साइनाइड को हाइड्रोलाइज कराओगे, उसका कराएंगे आप अम्लीय या क्षारीय जल अपघटन, तो एज ए प्रोडक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ देखो ये लिया मैंने R और यहाँ लगा दिया मैंने C ट्रिपल बॉन्ड N। जो यहाँ पर आप देख रहे हो इसको हम कहते क्या है, ये होता है एल्केल साइनाइड, जिसको हम IUPAC में कहते हैं एल्केन नाइट्राइल। अब जो ये एल्केन नाइट्राइल है इसका कराओगे आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ लिया मैंने ट्वाइस H2O। और जो आप यहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, जल अपघटन कराएंगे, ये कराओगे आप यहाँ पे एसिड या बेस की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, यहाँ पर ये देगा कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH और साथ में निकालेगा अमोनिया NA3। और जो यहाँ पर आपको ये मिलेगा ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जो एल्केन नाइट्राइल का जो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होगा ये कहलाएगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, पूर्ण जल अपघटन। तो यहाँ जो मैंने केमिकल रिएक्शन लिखी है ये तो है रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ये जो केमिकल रिएक्शन जो आप यहाँ देख रहे हो इसको अगर हम ढंग से देखें तो देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है ये यहाँ पर होगी किस प्रकार से। तो देखो मैंने सबसे पहले यहाँ ले लिया RC ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर आप जानते हैं कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो ये तो हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव और ये हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। इस पर आप कराओगे जब वाटर मॉलिक्यूल लोगे आप यहाँ पर वन HOH, आप जानते हैं H+ OH-। और जो यहां पर आप ये रिएक्शन कराएंगे, कराओगे आप हाइड्रोलाइसिस, ये कराओगे आप एसिड या बेस की प्रेजेंस में, तो यहां देखिए ये रिएक्शन होगी कैसे। तो जो पॉजिटिव वाला भाग है ये तो जाएगा नेगेटिव वाले के पास, और जो नेगेटिव वाला भाग है ये जाएगा पॉजिटिव वाले के पास। तो देखिए यहाँ पे बनेगा क्या, ये हो जाएगा R, ये है यहाँ पर C, इस कार्बन के पास कौन जुड़ेगा आकर, ये हो गया OH, यहाँ पर एक बॉन्ड क्या हो जाएगा कम, और जो ये N है उसके पास एक H आकर जुड़ेगा। अब जो यहाँ पर ये बना है ये यहाँ पर रीअरेंज होगा, तो देखिए किस प्रकार से होगा, इसका एक बॉन्ड तो आ जाएगा यहाँ पर और ये H पहुंच जाएगा इस वाले N के पास, तो ये यहाँ पर देगा R, ये हो जाएगा CO और N के पास दो H आ जाएंगे तो ये हो जाएगा NH2। और जो ये बना है ये होता क्या है, इसको हम कहते हैं एसिड एमाइड, अम्ल एमाइड। यहाँ तक की जो रिएक्शन है इसमें आप देख रहे हैं जल के एक अणु ने क्रिया में भाग लिया है, तो ये तो कहलाएगा यहाँ तक पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, आंशिक जल अपघटन। अब जो यहाँ पर ये बना हुआ एमाइड है इसकी रिएक्शन आप वापस कराओगे जल के, वाटर के सेकंड मोल के साथ एसिड या फिर बेस की प्रेजेंस में, तो ये देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो होगी कैसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका तो ये वाला NH2, इसका ये वाला H, ये भाग यहाँ पर रिएक्शन करके
ये तो यहाँ पर लास्ट में निकालेगा क्या, ये तो यहाँ निकालेगा अमोनिया NH3 और ये क्या हो जाएगा RCO और ये हो जाएगा OH और यहाँ आपको मिलेगा RCOOH आपको मिलेगा, जिसे हम कहते क्या है, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब लास्ट तक जो रिएक्शन लिखी है उसमें आप देख रहे हैं जल के दो अणुओं ने अभिक्रिया में भाग लिया तो क्या मिला आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, पूर्ण जल अपघटन। अब यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि इस रिएक्शन में जो आपने यहां पर एल्किल साइनाइड काम में लिया है इसका निर्माण हम करते कैसे हैं, तो क्योंकि यहां पर जो ये लिया है ये प्रारंभिक पदार्थ है तो उसका निर्माण कैसे करेंगे कि आप यहां लेंगे हेलो एल्किन, ये लिया मैंने यहां पे RX, RX क्या है, इसको हम कहते हैं एल्किल हैलाइड, नाम आपको मैंने बताया इसका नाम है एल्किल हैलाइड, जिसे हम IUPAC में हेलो एल्केन कहते हैं। इसकी रिएक्शन आप यहां कराओगे आप KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो देखिए आप यहां पर जब ये रिएक्शन कराओगे तो यहां रिएक्शन होगी कैसे, इसका तो ये वाला X और इसका ये K, ये यहां पर आपस में रिएक्शन करके ये निकालेंगे क्या, ये यहां पर निकालेंगे KX पोटेशियम हैलाइड निकालेगा और पीछे आपको क्या मिलेगा RCN, ये आपको यहां मिलेगा और जो ये RCN होता है इसका नाम हम देते हैं एल्किल साइनाइड और ये जो एल्किल साइनाइड है ये IUPAC में कहलाता है एल्केन नाइट्राइल कहलाता है। इस प्रकार से जो ये केमिकल रिएक्शन जहाँ पे आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में जो हमने प्रारंभिक पदार्थ काम में लिया है एल्किल साइनाइड उसका निर्माण हम इस प्रकार से कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम जो सेकंड मेथड है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, ये क्या है, ये है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड, यानी प्राथमिक अल्कोहल और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के द्वारा। तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जब आप प्राइमरी अल्कोहल या एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे आप तो यहां पर जो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लोगे वो लोगे आप यहां पर काम में अभिक्रिया में एसिडिक यानी अम्लीय K2Cr2O7 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इनको आप इस अभिक्रिया में काम में लोगे एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीकारक अभिकर्मक के रूप में। अब देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो होगी किस प्रकार से, तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया प्राइमरी अल्कोहल, क्या है देखो ये लिखा है मैंने R, ये हो गया CH2 और यहाँ लगा दिया मैंने OH। अब आप जानते हैं OH के पास वाला कार्बन क्या है अल्फा, कितने अल्फा H हैं 2, तो ये कैसा अल्कोहल है, यह एक 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। अब जो ये 1 डिग्री अल्कोहल है इस 1 डिग्री अल्कोहल का आप यहाँ पर करवाएंगे ऑक्सीडेशन और आपको मैंने बताया था कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप काम में लोगे वो लोगे आप एसिडिक K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट। तो होगा क्या, इसका OH का तो ये वाला H और यहाँ अल्फा कार्बन का ये वाला H, H और H यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा R, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा H और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O और जो यहाँ आप देख रहे हैं ये यहाँ पर कहलाएगा क्या, इसका नाम होगा एल्डिहाइड। इस केमिकल रिएक्शन में ध्यान रखेंगे कि जितने कार्बन वाला आप यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे
उतने ही कार्बन वाला आपको यहाँ पर एल्डिहाइड आपको प्राप्त होगा। और जब आप इस एल्डिहाइड को भी आप आगे ऑक्सीडाइज कराओगे तो देखिए आप यहाँ पर होगा कि आप जानते हैं ऑक्सीडेशन होता क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस ओ को आप यहाँ कार्बन और एच के बीच में आप ऐड कर देंगी तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, ये मिलेगा आपको आर सी ओ और ये हो गया यहाँ पर ओ एच, ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो यहाँ पर मैंने केमिकल रिएक्शन लिखी है, इस केमिकल रिएक्शन में 1 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों के तीनों में ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर रिमेन सेम, तीनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया, यहाँ पर एथिल अल्कोहल लिया, क्या होता है एथिल अल्कोहल, ये है सी एच थ्री, ये हो गया सी एच टू और यहाँ लगा दिया मैंने क्या ओ एच, और इस अल्कोहल का नाम है एथिल अल्कोहल, जिसे हम आईयूपीएसी में एथेनॉल कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, दो हैं। अब जो ये एथिल अल्कोहल आपने लिया है, जो एक 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको आप यहाँ पर क्या कराएंगे, ऑक्सीडाइज कराओगे किसके द्वारा, बाय एसिडिक K2Cr2O7 और KMnO4। तो होगा क्या, यहाँ पर इसका तो एक एच, इसका ये वाला एक एच यहाँ से हटा दोगे क्योंकि आप जानते हैं रिमूवल ऑफ H2 ऑक्सीडेशन। तो यहाँ आपको मिलेगा क्या CH3CHO और यहाँ आपको मिलेगा CH3, ये हो जाएगा CH और यहाँ आ जाएगा डलवन O। जो ये आपको मिला है इसका नाम होता है एसीटैल्डिहाइड, जो एक एल्डिहाइड है। इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, दो हैं। अब जो यहाँ पर एल्डिहाइड आपको मिला है, जिसको आईयूपीएसी में कहते हैं एथेनल, इसको भी आप आगे ऑक्सीडाइज कराओगे क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे यहाँ जो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लिए हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अब होगा क्या, यहाँ पर इस ओ को आप ऐड करोगे कार्बन और एच के बीच में तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा यहाँ पर CH3CO और ये हो जाएगा H, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, जिसको हम IUPAC में एथेनोइक एसिड कहते हैं। और इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन क्या रहेंगे, दो रहेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 डिग्री अल्कोहल और एल्डिहाइड को जब आप ऑक्सीडाइज करा रहे हैं तो आपको एज ए प्रोडक्ट यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। कब प्राप्त होंगे, जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में आप एसिडिक K2Cr2O7 या KMnO4 को आप काम में लेंगे। अब यहाँ पर जो थर्ड मेथड हम काम में ले रहे हैं उसका नाम है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1-1-1 ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, यानी जो 1-1-1 ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है उनके हाइड्रोलाइसिस के द्वारा, उनके जल अपघटन के द्वारा। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो 1-1-1 ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है उनका आप कराओगे एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, क्षारीय जल अपघटन। तो एज ए प्रोडक्ट हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। अब देखिए पहले आप यहाँ पर मैंने ये लिखा इस प्रकार से, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे R, ये हो गया यहाँ पे कार्बन, इस वाले कार्बन से मैंने 3 CA लगा दिए। इसमें आप देख रहे हैं एक ही कार्बन से 3 लगे हुए हैं हेलोजन, तो ये क्या हो गया 1-1-1, क्योंकि एक ही कार्बन से है तो 1-1-1 ट्राई हेलो 3 CL है, डेरिवेटिव हो गई है ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। तो यह क्या है, यह एक 1-1-1 ट्राई हेलोजन डेरी
वेटिव है, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। इसका आप यहां पे कराओगे हाइड्रोलाइसिस, किसके द्वारा? जलीय KOH के द्वारा, एक्वस KOH के द्वारा। तो यहां पर आप देख रहे हैं तीन Cl हैं, तो यहां पर आप करेंगे क्या, तीन ही आप यहां पर KOH लेंगी। लेकिन जो आप यहां पर KOH लेंगे, ये बात आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि ये कैसे होंगे, ये एक्वस होंगे, जलीय KOH होंगी। अब जब इनकी रिएक्शन आप यहां करेंगे तो ये देखिए केमिकल रिएक्शन जो होगी वो किस प्रकार से होगी। तो यहां देखेंगे आप, इसके तो ये Cl, तीनों के तीनों इसके ये Cl, इसके ये तीनों के तीनों के, ये यहां पर रिएक्शन करके निकालेंगे क्या, ये निकालेंगे थ्राइस के सी एल निकालेंगे। अब जहां जहां पर Cl लगे हुए हैं वहां वहां पर आप OH को जोड़ देंगे। तो यहां देखिए आपको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा R, ये हो गया यहां पर C, यहां पर आ जाएगा एक OH, यहां आ गया दूसरा OH और यहां पे आ गया तीसरा OH। अब आपने पढ़ रखा है कि एक कार्बन पर दो OH नहीं आते, यहां तो तीन आ गए। तो जो ये बना है कंपाउंड, ये यहां पर कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, अस्थाई होगा। अब क्योंकि अनस्टेबल है, इसको आप यहां पर जैसे ही हीट करोगे तो OH OH ग्रुप आपस में इंटरैक्ट करेंगे, तो होगा क्या, इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला OH, ये यहां पर इंटरैक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा। अब देखिए पीछे बचा क्या, ये हो जाएगा R C O O H और यहां पर आपको लास्ट में फाइनली आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो हमें मिला है लास्ट में, यह एक एल्केनोइक एसिड है और एक किसके द्वारा मिला, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ 111 ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। अब यहां देखिए मैंने ये ले लिया CH3, ये कार्बन है और यहां मैंने लगा दिए तीन Cl लगा दिए, ये कंपाउंड आपने यहां ले लिया। अब आप नाम दोगे इसको, तो ये हो गया वन, ये हो गया टू, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, वन 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 ट्राई Cl है तो ये हो गया क्लोरो, दो कार्बन है इथेन, ये इसका यहां पर नाम हो गया, ये हो गया इसका यहां पर नाम। इसमें तीन Cl हैं तो आप यहां पर तीन ही क्या लोगे, आप यहां पर KOH लेंगे जैसा आपने ऊपर लिखा है। और यहां जो KOH आप काम में लेंगे, ध्यान रखेंगे कि जो KOH लेंगे वो कैसे होंगे, एक्वस। रिएक्शन जब आप यहां कराएंगे तो ये देखिए यहां जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। इसके तो ये तीनों के तीनों Cl, इसके यहां पर ये तीनों के तीनों के, ये आपस में रिएक्शन करके बिल्कुल सिमिलरली यहां पे क्या निकालेगा, थ्राइस के सी एल को रिमूव करेगा। और जहां पर सी एल लगे हैं वहां जुड़ेंगे आकर कौन, OH, और क्या मिलेगा आपको यहां पर, ये हो जाएगा CH3 C, यहां आ गया OH, ये भी हो गया OH और यहां पर भी आ गया Cl की जगह पर OH। जो ये बना है ये देखिए आप यहां पर कैसा है, ये भी अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन से तीन OH बॉन्डेड हैं। अब यहां पर होगा क्या कि जो OH OH हैं वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे जब उसको आप हीट करेंगे, तो होगा क्या, इसका तो ये वाला यहां पर H, इसका OH, ये यहां पर निकालेगा एलिमिनेट करेगा वाटर मॉलिक्यूल को और यहां आपको मिलेगा CH3 COOH और लास्ट में आपको मिलेगा CH3 COOH। और जो आप देख रहे हैं इसका यहां पर नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड, जिसका IUPAC में नाम होता है इथेनोइक एसिड। अगला जो यहां पर हम मेथड लेने जा रहे हैं, फोर्थ मेथड है
फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, यानी ग्रीन यार अभिकर्मक के द्वारा। और एक बात आप जानते हैं कि जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है यह होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। और इस केमिकल रिएक्शन में, इस मेथड में हम करेंगे क्या, इसमें जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है उसकी रिएक्शन हम कराएंगे ड्राई आइस के साथ, ठोस बर्फ के साथ, जिसमें होता क्या है, यह होता है सॉलिड CO2 को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। तो देखिए पहले आप यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। सबसे पहले आप लेंगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट, क्या होता है देखिए, ये होता है RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ये तो हो गया यहाँ पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन आप यहाँ पर करेंगे ड्राई आइस के साथ, होता क्या है सॉलिड CO2। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस प्रकार से CO2 मैंने यहाँ पर ले लिया, ये क्या है सॉलिड CO2 है ड्राई आइस। और ये रिएक्शन आप यहाँ पर कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब देखिए यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, तो कार्बन और ओ में आपको पता है ओ कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ओ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है उसमें आपको ध्यान है ही, हम हमेशा इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, Mg पे आता है प्लस, R पे आता है माइनस। अब देखिए आप यहाँ पर होगा क्या, जो माइनस वाला भाग है वो जाएगा प्लस वाले के पास, और जो प्लस वाला है वो जाएगा माइनस वाले के पास। आप चाहे तो ये बॉन्ड ले लें, आप चाहे तो ये बॉन्ड ले लें, मैंने यहाँ पर ये बॉन्ड लिया है। तो देखिए आपको मिलेगा क्या, ये लिखा इस प्रकार से मैंने C डबल बॉन्ड O, ये तो रहा सेम। इस कार्बन के ऊपर कौन जुड़ेगा आकर, यहाँ जुड़ गया कौन आकर, R। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब देखिए आप यहाँ पर O के पास कौन जुड़ेगा आकर, ये हो जाएगा यहाँ पर MgX आ गया। इस प्रकार से जो आपको यहाँ पर ये प्राप्त होगा इसको हम कहते क्या है, ये होता है एडक्ट यानी योगोत्पाद। अब जो यहाँ पर ये एडक्ट बना है, इस एडक्ट का आप यहाँ पर कराएंगे एसिडिक मीडियम में, इसका कराओगे आप यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस। अब आप जानते हैं ओ और एमजी में, ओ पर तो हो जाएगा आंशिक ऋणावेश, एमजी पे आंशिक धनावेश। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है देखिए आप, यह होता है एच और OH, और आप जानते हैं एच OH में H पर आएगा हमेशा प्लस चार्ज और O पे आएगा हमेशा माइनस चार्ज, और ये बॉन्ड आपने यहाँ से ब्रेक किया इस प्रकार से। तो जो ये आप देख रहे हैं ये निकालेगा MgX और OH, तो ये तो यहाँ पर निकालेगा क्या, Mg से एक तो लगा हुआ है X, और Mg से ही एक जुड़ेगा कौन आकर OH, ये हो जाएगा हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम हैलाइड। अब देखें यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, ये हो गया RCOOH, और ये हो गया इस प्रकार से, यहाँ पर R है, ये C है, यहाँ लगा हुआ है डबल बॉन्ड O, और यहाँ लगा हुआ कौन है, O के पास आके जुड़ेगा कौन H, और जो यहाँ पर आपको मिलेगा बताओ ये होता क्या है, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रकार से जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ग्रीन यार अभिकर्मक है, उसकी रिएक्शन ड्राई आइस यानी सॉलिड CO2 से करवाकर उसका कराओगे बाद में आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, आप कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राप्त कर लेते हैं। अगला जो मेथड हम ले रहे हैं वो है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन द्वारा। और इसके अंदर जो सबसे पहला हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं फ्रॉम एस्टर्स, एस्टर के द्वारा। और एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो एस्टर होते हैं ये होते क्या हैं, एस्टर होते हैं
एसिड डेरिवेटिव। तो हम करते क्या हैं कि जो एसिड हैं उनका हम कराते हैं हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, और ये हम कराएंगे डाइल्यूट मिनरल एसिड की प्रजेंस में। और जब एस्टर का आप कराएंगे हाइड्रोलाइसिस मिनरल एसिड की प्रजेंस में, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में आपको एल्कोहल देगा एज ए प्रोडक्ट। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले एस्टर लिया, ये लिखा है मैंने यहाँ पर इस प्रकार से आर सी ओ, ये कर दिया मैंने यहाँ पे ओ, और ये हो गया आर डैश। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, ये होता है एस्टर। और आप जानते हैं कि जो एस्टर होते हैं उनकी स्मेल होती है फ्रूट लाइक स्मेल। इसका यहाँ पे कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, तो लिखा है मैंने इस प्रकार से एच, और ये हो गया यहाँ पर ओ एच। और जो आप यहाँ पर ये हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ये कराएंगे आप डाइल्यूट मिनरल एसिड की प्रजेंस में। तो देखिए यहाँ पर ये होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा। तो यहाँ एक तो आपको मिलेगा आर सी ओ ओ एच, यानी एज ए प्रोडक्ट आपको एक तो आपको प्राप्त होगा यहाँ पर आर सी ओ ओ एच, और ये जो होता है ये तो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और साथ में देखिए आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आर डैश ओ एच, और साथ में आपको यहाँ मिलेगा आर डैश ओ एच। और जो ये आर डैश ओ एच है ये क्या होता है, ये होता है एल्कोहल। यानी कहने का अर्थ ये है कि व्हेन एस्टर इज हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड देन इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल एज ए प्रोडक्ट। अब मैंने क्या किया, जो एस्टर है एस्टर के रूप में ये लिया यहाँ पर सी एच थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव ले लिया। यहाँ जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं एथिल एथेनोएट, और जो ये एथिल एथेनोएट है ये क्या है, एस्टर। इसका आप यहाँ कराओगे हाइड्रोलाइसिस, लिखा है मैंने एच और ओ एच, और ये आप यहाँ कराओगे हाइड्रोलाइसिस एसिड की प्रजेंस में। मेथड सेम रहेगा, क्या बताया मैंने आपको, इसका तो ये वाला पोर्शन बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से और ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या क्या देगा, एक तो देगा एसिटिक एसिड सी एच थ्री सी ओ ओ एच, यानी यहाँ जो एसिड आपको मिलेगा ये हो जाएगा सी एच थ्री सी ओ ओ एच। इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। और देखिए साथ में आपको यहाँ मिलेगा क्या, ये हो जाएगा सी टू एच फाइव ओ एच, और यहाँ पर आप जानते हैं कि जो ये सी टू एच फाइव ओ एच है इसको हम कहते क्या है, ये होता है एथिल एल्कोहल, यानी एथेनॉल आपको मिलेगा। इस प्रकार से हम एस्टर के हाइड्रोलाइसिस के द्वारा हम एसिड को प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा एसिड डेरिवेटिव है ये होता है फ्रॉम एल्केनॉयल क्लोराइड। और यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जो ये एल्केनॉयल क्लोराइड है उसी को हम कहते क्या है, इसको हम एसिड क्लोराइड भी कहते हैं, अम्ल क्लोराइड भी कहते हैं। जब आप यहाँ पर एल्केनॉयल क्लोराइड का कराएंगे हाइड्रोलाइसिस एसिड या बेस की प्रजेंस में, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। तो देखिए यहाँ पर जो एल्केनॉयल क्लोराइड है ये होता क्या है, ये होता है आर सी ओ और ये हो गया सी एल। इसका नाम ये है
एल के नोयल क्लोराइड। और जो आप यहां देख रहे हैं एल के नोयल क्लोराइड, इसका आप यहां करेंगे हाइड्रोलाइसिस, लिखा है मैंने एच और ओ एच। और यहां पर आपको मैंने बताया कि जो आप यहां पर ये हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ये कराओगे आप एसिड या बेस की परजेंस में। अब देखिए आप यहां पर रिएक्शन होगी कैसे, तो इसका तो ये वाला Cl, इसका ये वाला H, ये यहां रिएक्शन करके ये निकालेगा क्या, ये तो यहां से रिमूव करेगा HCl को। तो यहां से निकला कौन, ये तो निकला यहां पर HCl। अब देखिए पीछे क्या बचा, R C O O H, और यहां आपको मिल गया R C O O H। और जो ये बना है ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर इसी केमिकल रिएक्शन में जो एल के नोयल क्लोराइड है वो देखिए, मैंने यहाँ पर ये ले लिया CH3COCl, इसका IUPAC नाम होता है एथेनोयल क्लोराइड। और जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है एथेनोयल क्लोराइड, या इसको हम कहते हैं एसिटिल क्लोराइड, इसका कराओगे आप हाइड्रोलाइसिस, यहां लिखा है मैंने H और OH, और ये भी आप यहां कराओगे एसिड या बेस की प्रेजेंस में। तो देखिए आप यहां पर जो ये रिएक्शन होगी उसका मेथड सेम रहेगा, होगा क्या, इसका तो यहां से जाएगा Cl, इसका यहां से जाएगा H, और ये यहां रिएक्शन करके रिमूव करेगा किसको, HCl को। तो ये तो यहां पर निकालेगा HCl। अब देखिए पीछे क्या बचा, CH3COOH, और यहां आपको मिलेगा CH3COOH, इसका यहां पर नाम क्या है, इसको हम नाम देते हैं एसिटिक एसिड, जिसका IUPAC नाम होता है इथेनोइक एसिड। इस प्रकार से हम एल्केनोइल क्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राप्त कर लेते हैं। अगला जो मेथड है इसी में ही जो तीसरा जो डेरिवेटिव है उसमें बात करेंगे फ्रॉम एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड के द्वारा। तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि व्हेन एल्केनोइक एनहाइड्राइड आर हाइड्रोलाइज देन इट गिव्स 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए मैंने यहां पर सबसे पहले ये लिखा इस प्रकार से आर सी ओ ओ सी ओ, और यहां लगा दिया मैंने आर, जो यहां लिया है ये तो क्या है एल्केनोइक एनहाइड्राइड है। और जो आप यहां देख रहे हैं एल्केनोइक एनहाइड्राइड, इसका आप यहां पर करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, तो लिखा है मैंने यहां पर H2O, और ये लिया मैंने एसिड की प्रेजेंस में। तो आपको ध्यान है वाटर मॉलिक्यूल होता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल होता है H और OH, और होगा क्या, O नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो बॉन्ड को आप यहां से इस प्रकार से ब्रेक करेंगे, तो ये क्या देगा, ये देगा यहां पर RCOOH, ये देगा RCOOH, यानी कुल मिलाकर आपको यहां पे क्या मिलेंगे, 2 मिलेंगे आपको यहां पर मोल किसके, RCOOH के। और ये होता क्या है, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर मैंने यहां पर ये लिया CH3COOCO, और ये हो गया यहां पर CH3,
और जो कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिया है इसका नाम होता है एथेनोइक एनहाइड्राइड। और जो ये एथेनोइक एनहाइड्राइड है जिसको हम कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका यहाँ पर आप कराओगे हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो देखिए आप यहाँ पे होगा क्या, मेथड रहेगा सेम, यहाँ तो आ जाएगा एच, यहाँ आ जाएगा ओ एच, और जो बॉन्ड आप ब्रेक करोगे इस प्रकार से आप ब्रेक करेंगी, ये क्या देगा यहाँ पर, ये निकालेगा सी आई थ्री सी ओ ओ एच, ये भी देगा सी आई थ्री सी ओ ओ एच, यानी कुल मिला के आपको यहाँ पर दो मिलेंगे मोल सी आई थ्री सी ओ ओ एच के। और ये जो आपको यहाँ मिलेगा ये होता क्या है, ये है एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, इस प्रकार से एल्केनोइक एनहाइड्राइड के हाइड्रोलाइसिस से आप कार्बोक्सिलिक एसिड को आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे हम ले रहे हैं फ्रॉम एल केनामाइड, और ये जो एल्केनामाइड होते हैं ध्यान रखेंगे आप इनको हम एसिड एमाइड भी कहते हैं। जब आप एल्केनामाइड का कराओगे आप हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड लाइक डाइल्यूट HCl, तो ये क्या देगा, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा एज ए प्रोडक्ट। तो देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, तो देखिए मैंने सबसे पहले तो ये लिखा यहाँ पर R, ये हो गया CO और यहाँ लगा दिया मैंने NH2। ये जो आपने यहाँ लिया है ये है एल्केनामाइड, और जो ये एल्केनामाइड है इसका यहाँ पर आप करेंगे हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ ले लिया मैंने H और ये हो गया OH, और ये जो आप करेंगे आप यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस ये आप यहाँ करेंगे एसिड की प्रेजेंस में। आपको मैंने बताया क्या लोगे आप यहाँ पर डाइल्यूट HCl को आप काम में लेंगे, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन आप करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो होगी किस प्रकार से, इसका तो ये वाला NH2, इसका ये वाला H, ये आपस में यहाँ रिएक्शन करके ये तो निकालेगा अमोनिया के अणु को। तो देखिए आप यहाँ पर ये तो रिमूव करेगा यहाँ पर NH3 अमोनिया को। अब देखिए बाकी बचा क्या पीछे, R CO OH, और यहाँ आपको मिलेगा R CO OH, और जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है ये क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर यहाँ पर जो एल्केनामाइड है इसके रूप में मैंने यहाँ पर ये ले लिया CH3CONH2 ले लिया, और जो यहाँ लिया है CH3CONH2 इसका नाम होता है एथेनामाइड, जिसको हम एसीटामाइड भी कहते हैं। जो ये एथेनामाइड है इसका आप यहाँ कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, और ये भी आप रिएक्शन करेंगे बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन होगी एसिड की प्रेजेंस में। मेथड क्या रहेगा, इसका तो ये वाला NH2, इसका ये वाला H, ये यहाँ पर रिएक्शन करके रिमूव करेगा अमोनिया के अणु को। तो देखिए आप यहाँ पर ये तो यहाँ निकाल रहा है NH3 अमोनिया, अब देखिए पीछे क्या बचा CH3COOH, और यहाँ आपको मिलेगा CH3COOH, और जो ये बना है इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, जिसको हम IUPAC में एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इस प्रकार से बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव वी कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक
एसिड एज ए प्रोडक्ट। धन्यवाद।